बाकी ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलें जी हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये आपको समझा रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में, तो ये हम जब डिस्प्ले पैटर्न को कॉल कर रहे हैं विद आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट, तो ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होना है। बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि जब कंपाइल टाइम पे ही विदाउट आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि ये विदाउट आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा। और जब हमने हैश सिंबल पास किया तो उस केस में आर्गुमेंट वाला पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम कह रहे हैं ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का मल्टीपल बिहेवियर है और ये डिफाइन हो रहा है कंपाइल टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जब हम अचीव करेंगे, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मुझे अब ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक मेथड डिस्पैच या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, जिसमें फंक्शन का जो ओवररिडन बिहेवियर है वो रिजॉल्व किया जाता है रन टाइम के ऊपर। अब ये जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। अभी हमने कहा फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग का मतलब यह था कि सेम नेम का फंक्शन बट डिफरेंट सिग्नेचर। लेकिन ओवरराइडिंग के केस में आपने ये समझना है कि इस केस में जो फंक्शंस होते हैं उनका नाम भी सेम होता है और उनका सिग्नेचर जो है वो भी क्या होता है, सेम होता है। यानी एग्जैक्टली सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर का फंक्शन जो है अगर हम बना लें तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवरराइडिंग, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि सेम नेम का फंक्शन तो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो दो फंक्शंस हम बनाएंगे सेम नेम के और सेम सिग्नेचर के, ये मल्टीपल क्लासेस में होंगे और वो जो मल्टीपल क्लासेस हैं उनमें पेरेंट चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी पेरेंट क्लास में भी सेम नेम का फंक्शन है और चाइल्ड क्लास में भी सेम नेम का फंक्शन है, सेम नेम प्लस सेम सिग्नेचर। अगर पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लासेस में भी है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। तो रूल्स में यही कह रहा है कि सबसे पहले जो मेथड का सिग्नेचर है वो भी सेम होगा और जो पैरामीटर लिस्ट है वो भी सेम होगा। ओवररिडन मेथड जो है वो हाँ, सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि आप जो अपनी फंक्शनैलिटी है आप उसको एक्सटेंड करते हैं। अभी एक्सटेंशन क्या मना दे ये हम आगे चल के देखें। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक क्लास है डॉक्टर की और एक क्लास है सर्जन की। ठीक है, दो क्लासेस हैं सपोज, एक डॉक्टर क्लास है एक सर्जन की क्लास। अब इस केस में हम ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है उसका भी ट्रीट पेशेंट का मेथड होना चाहिए और जो सर्जन है उसका भी ट्रीट पेशेंट का मेथड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम लॉजिकली बात करें तो जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर का और जो ट्रीटमेंट है सर्जन का उसमें फर्क होगा। उसमें क्या होगा, फर्क होगा। फर्क से क्या मतलब है कि अगर हम सपोज सर्जन की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली कोई अपने ट्रीटमेंट के अंदर कोई सर्जरी वगैरह भी परफॉर्म करेगा, जबकि जो नॉर्मल डॉक्टर की हम बात करें तो उसमें ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमें डॉक्टर क्लास हमने बनाई है और उसमें जो ट्रीट पेशेंट का मेथड है वो है, और अगर मैं उससे एक जो है वो सर्जन की क्लास बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे सर्जन क्लास में आके डॉक्टर क्लास के ट्रीट पेशेंट के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड से क्या मराद है कि जो ट्रीटमेंट एक डॉक्टर देगा शायद की बात है कि वही ट्रीटमेंट की फंक्शनैलिटी मुझे सर्जन में चाहिए, प्लस सर्जन क्लास में मुझे कुछ एडिशनल जो है वो फंक्शनैलिटी भी रिक्वायर्ड है, और वो फंक्शनैलिटी मैं तभी अचीव कर सकता हूँ जब मैं सर्जन क्लास के अंदर
ट्रीट पेशेंट का मेथड बनाऊं और उसमें डॉक्टर के ट्रीट पेशेंट मेथड में की फंक्शनैलिटी प्लस एडिशनल फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पे रखूं, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग का बिहेवियर है कि बाज़ दफ़ा हमें कि क्लासेस की फंक्शनैलिटी, उसके मेथड्स की फंक्शनैलिटी मिल रही होती है, लेकिन चाइल्ड क्लासेस में हमें लगता है कि हमें उन मेथड्स में कुछ एडिशन भी रिक्वायर्ड है, देन हम उस केस में उसी नाम का मेथड चाइल्ड क्लास में बनाते हैं और फिर उसको इन्हांस करते हैं अपनी मर्जी से। वो राइडिंग की बात समझ आई? यस सर। ओके, अब ये एग्जांपल के साथ देखें इसी कॉन्सेप्ट को। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास डॉक्टर बनाई है और डॉक्टर क्लास के अंदर एक ट्रीट पेशेंट का मेथड बनाया। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ जो डॉक्टर है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन चूंकि हम जस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हमने जस्ट एक मैसेज पास कर दिया कि डॉक्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स में मैंने लिखा है कि ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे आएगा। अब सर्जन क्लास चूंकि एक्सटेंड करिए डॉक्टर को, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सर्जन क्लास के अंदर डॉक्टर क्लास का जो ट्रीट का मेथड है वो अवेलेबल होगा। बट हम ये कह रहे कि जो ट्रीटमेंट ऑफ सर्जन है वो है सर्जन ट्रीटमेंट, हमने एक मैसेज पास कर दिया और सेम नेम का मेथड हमने पेरेंट में भी बना दिया, चाइल्ड में बना दिया, ठीक है। अब आप देखें कि इस केस में जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल क्या आएगी। मैं कहता हूँ डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है मैन में, या मैन में हूँ मैं भी, मैन में मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और डॉक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ट्रीट पेशेंट का मेथड कॉल कर लिए। तो जब हम ट्रीट पेशेंट के मेथड को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली बात ये है कि डॉक्टर क्लास का जो ट्रीट पेशेंट का मेथड है वो कॉल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सर्जन क्लास में हूँ, यहाँ पे देखें तो सर्जन क्लास में जब मैं आपके सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट पेशेंट का मेथड कॉल करूँ तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए यहाँ, कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर्जन का मेथड सर, बोले? सर्जन का मेथड सर्जन जिसका ऑब्जेक्ट है वो कॉल होना चाहिए, और अभी यहाँ पे सर्जन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सर्जन का ही कॉल होना चाहिए, ऐसा ही है ना? यस सर। यस यस ओके, ऐसा ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब कॉल कर रहे हैं सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ तो डेफिनेटली उसी का जो है वो मेथड कॉल होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर सपोज यहाँ पे जो सर्जन क्लास है उसके अंदर मैं ये ट्रीट पेशेंट का मेथड ना बनाऊं, सर्जन क्लास के अंदर अगर मैं ट्रीट पेशेंट का मेथड ना बनाऊं और सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट पेशेंट का मेथड कॉल करूं तो फिर क्या होगा? डॉक्टर का शो होगा सर। डॉक्टर का कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी इस सर्जन क्लास के ट्रीट पेशेंट के मेथड के अंदर हमने सर्जन क्लास के ट्रीट पेशेंट के मेथड के अंदर हमने डॉक्टर क्लास के ट्रीट पेशेंट की फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं किया। जब भी हम चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नेम का मेथड बनाते हैं तो ओवरराइडिंग ये कहती है कि हम जो एग्जिस्टिंग फंक्शन की कोड है ना, जो एग्जिस्टिंग फंक्शन की कोड है उस कोड को जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, मेथड को ओवरराइड करते हैं, यानी उसके बिहेवियर में कुछ एडिशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सर्जन क्लास के अंदर पहले पेरेंट क्लास डॉक्टर के ट्रीट पेशेंट को कॉल करवाएंगे और फिर जो के सर्जन से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो एक्चुअली ओवरराइडिंग ये होती है, ये हमने शायद इससे पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन अभी चूंकि हम इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम जो है वो हमारा जो पर्पज है उसकी तरफ हम आ सकें। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का बिहेवियर समझना आपने। ओवरलोडिंग के केस में सेम नेम का फंक्शन होगा, ठीक है, बट उसका सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होगा। दूसरी बात यह है कि जो ओवरलोडिंग है वो सेम क्लास के अंदर होती है। ओवरलोडिंग में क्या फर्क है, ओवरलोडिंग के दो पॉइंट्स हैं। ओवरलोडिंग हमेशा सेम क्लास में होती है और उसके जो मेथड्स हैं उनका सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। ओवरराइडिंग, दूसरी साइड पे ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट चाइल्ड क्लास के दरम्यान में होती है, ठीक है। ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के दरम्यान में होती है, और इस केस के अंदर जो दोनों क्लासेस हैं उनके जो सिग्नेचर है मेथड का वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो ये जैसे लेफ्ट साइड पे सम के फंक्शंस हैं डिफरेंट सिग्नेचर के साथ हैं और सेम क्लास के अंदर हैं, राइट साइड के ऊपर
एक एक्स क्लास है, एक वाई क्लास है, एक्स क्लास के अंदर भी सेम सम का फंक्शन है इंट सम, वाई क्लास के अंदर भी इंट सम, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सो ये क्या है, ये ओवरराइडिंग है, जबकि लेफ्ट साइड पे ओवरलोडिंग। फाइन, अब बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब हम आते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसकी जिसके लिए हमने ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे की हैं। फाइन, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो प्रीवियस हमने एग्जांपल की है, डॉक्टर और पेशेंट वाली एग्जांपल, उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, जो भी डायनामिक या रिडंडेंट टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखें, तो अब हम स्टेप टूवर्ड्स डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बात समझिएगा, डॉक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें रेफरेंस स्टोर कर दिया हमने सर्जन क्लास में। डॉक्टर ऑब्जेक्ट इक्वल्स न्यू सर्जन, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं या जो रेफरेंस वेरिएबल हम बना रहे हैं वो पेरेंट क्लास का है और जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें जो स्टोर कर रहे हैं वो है चाइल्ड क्लास का? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं ट्री इक्वेशन के मेथड को कॉल कर सकूं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको समझना है। ये बात समझ आई मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये नॉर्मली जो है वो अगर आप जो है वो अपर लेयर पे सोचेंगे तो शायद आपको समझ ना आए। दोबारा देख लें, हमने डॉक्टर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया ओबीजे इक्वल्स न्यू और उसको सर्जन क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। हालांकि नॉर्मल बिहेवियर में हम ये नहीं करते कि एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना के उसमें दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा दें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि हमें पता है कि डॉक्टर जो है वो पेरेंट क्लास है और सर्जन जो है वो चाइल्ड क्लास है, तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे पेरेंट क्लास हो और चाइल्ड क्लास हो, वहां पे हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं। पहली बात, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का, ठीक है, वो एक रेफरेंस वेरिएबल है किसका, पेरेंट क्लास का। लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर किया जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं वो किस क्लास का है, वो चाइल्ड क्लास। ये देखें एग्जाम्पल में, इसमें डायग्राम में जो ओबीजे है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है डॉक्टर क्लास का, ठीक है। और ये जो ओबीजे है इसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं ट्रीट पेशेंट के मेथड को, जो कि ऑब्जेक्ट है सर्जन क्लास का, जो कि ऑब्जेक्ट है सॉरी जो कि फंक्शन है सर्जन क्लास, ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो ट्रीट पेशेंट का मेथड कॉल होगा वो कॉल होगा सर्जन क्लास का। वो किसका कॉल होगा? सर्जन क्लास का। क्या सर्जन क्लास का कॉल होना चाहिए या पेरेंट क्लास का कॉल होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस केस में, क्या होना चाहिए? जी जी सोचें शाबाश, क्योंकि यही हमारा थीम है आज का। इससे पहले हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो इसी के लिए की है। क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। सर वैसे तो एरर आना चाहिए। एरर आना चाहिए सर, सर्जन क्लास का। किस बेस पे एरर आना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं हम? सर एरर तो नहीं आता वैसे, सर्जन का होगा। सर्जन का होना चाहिए, लॉजिकली तो सर्जन का होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो रहा है? आखिर कोनों कोई जो है वो लॉजिक यूज हो रही है ना, ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का, रेफरेंस किसी और क्लास का और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। सर क्योंकि पेरेंट का रेफरेंस है ना, रेफरेंस पेरेंट का बन रहा है तो और चाइल्ड का वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इस वजह से वो फंक्शन कॉल हो सकता है चाइल्ड का। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बन रहा है ना। सही है, चल इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा।
चलेंगे। तो हम यहाँ से जी, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हमने ये कहा कि एक्चुअली जो रेफरेंस है वो रेफरेंस डॉक्टर क्लास का है, लेकिन जो उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है जो कि पॉइंट कर रहा है वो सर्जन क्लास का है। और जब हम रिज्यूम कर रहे हैं कि ओबीजे के साथ हम ट्रीट पेशेंट को कॉल करेंगे, तो अब ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होना चाहिए। ये क्या होगा, ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा कि ट्रीट पेशेंट का मेथड पेरेंट क्लास को कॉल करें, सर्जन क्लास को कॉल करें, या फिर डॉक्टर क्लास का कॉल करें। ठीक है, तो अब आपको शायद कुछ चीजें रिलेट होती होंगी, हो रही होंगी, कि हम पॉलीमॉर्फिज्म के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और हमने ये कहा था कि जो फंक्शन की कॉल है और उसका जो बिहेवियर है ये डिसाइड होगा रन टाइम के ऊपर कि किस मेथड ने कॉल होना है। तो अब यहाँ देखें, ट्रीट पेशेंट का मेथड जो है वो क्या डॉक्टर क्लास का कॉल हो या सर्जन क्लास का कॉल हो, ये डिसाइड होगा रन टाइम के ऊपर। क्यों कह रहा हूँ रन टाइम के ऊपर, बिकॉज अब हम देखें यहाँ पॉसिबल है कि आप यूं लिखें, आप लिखें डॉक्टर ओबीजे इक्वल न्यू डॉक्टर। ठीक है, तो अगर आपने डॉक्टर के ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्टर क्लास का ही रेफरेंस स्टोर किया तो फिर डॉक्टर क्लास का फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डॉक्टर क्लास के रेफरेंस के अंदर सर्जन क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया तो फिर क्या होना चाहिए, सर्जन क्लास का मेथड कॉल होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली रन टाइम पे ही होगा। अब आप यूजर हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो रन टाइम के ऊपर इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्जन क्लास का सेव करना चाह रहे हैं, या ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसमें डॉक्टर क्लास का ही सेव करना चाह रहे हैं। तो रन टाइम के ऊपर कंपाइलर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करूं या फिर चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करूं। तो इसी तरह से हम जो है वो रन टाइम के ऊपर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, अब पॉइंट इज कि ये कैसे होगा, आखिर जाहिर बात है ये जो हमारा जो JVM है, जो हमारा कंपाइलर है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा। सो लॉजिक इज कि वो सिंपली ये चेक करेगा नॉर्मल बिहेवियर के अंदर जब हम ओवरराइडिंग नहीं करते, तो उस टाइम पे ये होता है कि वो सिंपली ये चेक करते हैं कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, यानी किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। अगर रेफरेंस वेरिएबल डॉक्टर क्लास का है तो वो जितने भी मेथड्स कॉल करते हैं सीधे डॉक्टर क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने ओवरराइडिंग की होती है, जब आपने ओवरराइडिंग की होती है, तो वहां पे वो ये चीज सिर्फ ये नहीं देखेगा कि रेफरेंस किस क्लास का है, बल्कि वो ये देखेगा कि इस रेफरेंस में जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किए हुए वो किस क्लास है। तो जिस क्लास का उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होगा उसी क्लास के वो मेथड को रन टाइम के ऊपर कॉल कर ले। तो यहाँ पे चूंकि रेफरेंस आ रहा है सर्जन क्लास का, ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सर्जन क्लास का, इसलिए जो मेथड कॉल होगा वो यहाँ पे हमारे इस केस में सर्जन क्लास का ही मेथड कॉल होगा। So, जब हम obj.treat करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रीट पेशेंट का मेथड जो कि सब क्लास सर्जन क्लास है। अब यहाँ पे मजीद जो है वो जो पॉइंट है वो भी जरा देख लें। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेस क्लास का जो रेफरेंस है वो हम यूज करें मेथड को कॉल करने के लिए, अगर हम बेस क्लास का रेफरेंस यूज करें मेथड को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे जो मेथड की कॉलिंग है वो डिसाइड करेगा JVM, डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो वो उसको पॉइंट कर रहे हैं, जो कि मैंने भी आपको बता दिया। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो जो रेफरेंस है वो डॉक्टर क्लास का है, तो डेफिनेटली जो ये मेथड कॉल होगा इस केस में वो सर्जन क्लास का होगा, बिकॉज ये पॉइंट कर रहे हैं सर्जन क्लास के एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। ओके, आप देखें सुपर कीवर्ड, तो यहाँ सुपर कीवर्ड पे यहाँ बेनिफिट क्या है। अब डेफिनेट बात है कि जब हम सर्जन क्लास में होंगे तो हम चाह रहे हैं कि सर्जन क्लास के अंदर जो डॉक्टर क्लास का की फंक्शनैलिटी है मेथड ट्रीट पेशेंट की, वो हमें चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, अब ये नीचे मेथड देखें, इस मेथड में हम ये कह रहे हैं कि ट्रीट पेशेंट के मेथड को कॉल करें सुपर डॉट ट्रीट पेशेंट करके। ट्रीट पेशेंट सर्जन क्लास का जो मेथड है उसमें आपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना हो तो हम सुपर के कीवर्ड को यूज करेंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सुपर के कीवर्ड को यूज करते हुए हम पेरेंट क्लास के ट्रीट पेशेंट को कॉल कर लेंगे। सो अब जाके हम प्रॉपर ओवरराइडिंग के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेंगे।
जब सर्जन क्लास का ट्रीट पेशेंट कॉल होगा तो वो डॉक्टर क्लास का ट्रीट पेशेंट भी एग्जीक्यूट करेगा, और एडिशनल यहाँ पे देखिए कमेंट्स में लिखा हुआ ऐड कोड फॉर स्पेसिफिक टू द सर्जन, तो सर्जन से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इन शॉर्ट आपने सुपर के कीवर्ड को यूज करते हुए पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना हो। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को विद कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग। एक क्लास है एनिमल, एनिमल क्लास में हमने कहा कि एक मेक साउंड का फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जेनेरिकली लिख लिया कि ये एनिमल साउंड। फिर हमने जब स्पेसिफिकली किसी एक एनिमल जैसे डॉग की बात की, तो जब हम डॉग क्लास में हैं और मेक साउंड का फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उसी मेक साउंड को कॉल कर लूँ और सिंपली कह दूँ एनिमल साउंड, बल्कि यहाँ पे मुझे जो डॉग है उसका जो मेक साउंड का फंक्शन है वो अलग से डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया कि मेक साउंड फंक्शन इसमें अलग से बनाया, इसका मतलब ओवरराइड किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो उसका जो एनिमल है डॉग, और बार्क बार्क का एक मैसेज जो है वो हमने प्रिंट कर लिया। कैट के केस में देखें वो भी एक्सटेंड करी है एनिमल को, लेकिन उसने अपने मेथड को अपडेट किया, मेक साउंड का मेथड बनाया और उसने उसकी साउंड जो है वो ऐड कर दी। अब मैन क्लास के अंदर अगर मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं डी वन इक्वल न्यू डॉग, और अगर मैं कॉल करूं डी वन डॉट मेक साउंड, तो इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाया हमने डॉग क्लास का, रेफरेंस भी हमने डॉग क्लास का बनाया, रेफरेंस से मुराद है डी वन, डी वन जो है वो डॉग क्लास का है रेफरेंस, और न्यू डॉग और जो ऑब्जेक्ट है वो भी डॉग क्लास का ही है, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं डी वन डॉट मेक साउंड, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसको डी वन पॉइंट कर रहा है वो डॉग क्लास का ही है, तो उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाए और रेफरेंस भी कैट क्लास का ही हो, यानी सी वन जो है वो कैट क्लास का रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट है राइट साइड पे न्यू कैट वो भी उसी क्लास का है, मेक साउंड कॉल करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉल हो जाएगा। किसका मेक साउंड फंक्शन कॉल होगा? कैट क्लास का ही कॉल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम क्रिएट करें ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का, अगर हम ऑब्जेक्ट या रेफरेंस क्रिएट करें पेरेंट क्लास का यानी एनिमल क्लास का, तो उस केस में क्या होगा? तो ये जो पॉइंट है ये समझना, हमने रेफरेंस क्रिएट किया ए जो कि एनिमल क्लास का था जो कि पेरेंट क्लास, और उसमें जो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया वो है डॉग क्लास, समझ रहे? ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, जो रेफरेंस है ए वो है एनिमल क्लास का, जो उसमें ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया वो डॉग क्लास का। तो अब मैं जब कहूं ए डॉट मेक साउंड, तो बताएं मेक साउंड कौन सा कॉल होगा? मेक साउंड कौन सा कॉल होगा? डॉग का? यस सर, डॉग का कॉल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो 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 जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो एक्चुअली डॉग क्लास। अब उससे आगे देखें अगली लाइन में हमने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेंज कर दिया, हमने कहा ए इक्वल्स न्यू, ए इक्वल्स न्यू कैट, तो अब उसमें जो रेफरेंस वेरिएबल ए था अब उसने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया? कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को। और जब मैं कहूंगा ए डॉट मेक साउंड, तो कौन सा वाला मेक साउंड कॉल होगा? कैट वाला सर, कैट क्लास का। अब ये जो दो कॉल है ना इसके साथ स्टिक हो जाएं, ए डॉट मेक साउंड जो कि ऊपर हमने एनिमल के डॉग के लिए कॉल किया है, और नीचे ए डॉट मेक साउंड जो कि हमने कैट के लिए कॉल किया है, इन दोनों कॉल्स में कोई फर्क नजर आता है आपको? ए डॉट मेक साउंड, ए डॉट मेक साउंड, यहाँ पे, यहाँ पे इस कॉल में और इस कॉल में कोई फर्क नजर आता है? नो नो। तो इसका मतलब ये है कि जो मेक साउंड फंक्शन है वो रन टाइम पे अपने बिहेवियर को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, मेक साउंड का फंक्शन रन टाइम पे ऊपर ये डिसाइड कर रहा है कि मेक साउंड फंक्शन कौन सा कॉल होना चाहिए, क्या डॉग क्लास का कॉल होना चाहिए, क्या कैट क्लास का कॉल होना चाहिए, या कोई और क्लास जो है उसका कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज
जो यूजर है उसको ए डॉट मेक साउंड, ए डॉट मेक साउंड, एग्जैक्टली कोड सेम नजर आ रहा है, लेकिन जो मेक साउंड है वो बैकएंड पे डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे हमने कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है। आई होप कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। मोस्टली सर आगे ओके, मोस्टली क्यों, इस एग्जांपल के बाद आपको जो है वो सही समझ आ जानी चाहिए थी। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी सर। ओके फाइन, चलें। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करें, लॉजिक सिर्फ ये है कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, ओवरलोडिंग नहीं, ओवरराइडिंग। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि जब भी हम पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जब हम मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करवा सकते हैं, और इसी वजह से फिर हम फंक्शंस को रन टाइम के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि किस फंक्शन में कॉल होना है। तो शुरू में जब हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बार्क, बार्क का फंक्शन है, और कैट के लिए जो है वो उसका फंक्शन कॉल हुआ। बट जब हमने रेफरेंस पेरेंट क्लास को बनाया, और उस केस में आपने देखा कि एक ही रेफरेंस के थ्रू हमने ये काम किया, तो फंक्शन जो है वो जब हमने कॉल किया तो बिहेवियर वही है जो कि हमें ऊपर मिल रहा था, लेकिन एक्चुअली हमने जो कॉल्स हैं उनको चेंज कर दी। तो ये अब जब मैं देखें आप, तो डी वन डॉट मेक साउंड, सी वन डॉट मेक साउंड, तो इस केस में तो हमें क्लियर था कि डी वन ऑब्जेक्ट है तो मेक साउंड उसकी कॉल होगी, उसका फंक्शन कॉल होगा। सी वन ऑब्जेक्ट है कैट, कैट क्लास का, तो उसका कॉल होगा। लेकिन जब हमने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया था ए, तो जब हमने उसके साथ उसको कॉल किया, तो फिर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं रहा था, और रन टाइम के ऊपर डिसाइड हुआ कि किस फंक्शन को कॉल होना चाहिए। ओके फाइन, हमारे पास जो है वो अभी 10 मिनट है, इस एक एग्जांपल को और देख लेते हैं हम, ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट अगर कुछ कंफ्यूज है तो वो क्लियर हो जाए, और ये एनोटेशन वाली मस्तियां खत्म कर दें। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, अभी ये जो एग्जाम्पल है इसको जरा गौर से समझिए। हमारे पास जो है वो एक अकाउंट की क्लास है, हमारे पास एक अकाउंट की क्लास है, और जो अकाउंट की क्लास है उसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये एक सपोज पेरेंट क्लास हो, ये वाली अकाउंट क्लास, और इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ का फंक्शन हो। अकाउंट क्लास में डिपॉजिट और विड्रॉ के हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, और हम इसको कह रहे हैं ये एक पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, ये एक पेरेंट क्लास। अब हम मजीद दो चाइल्ड क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, एक क्लास हम बनाना चाह रहे हैं सेविंग अकाउंट की, और एक है सपोज कोई चेकिंग अकाउंट है। ठीक है, ये दो सब क्लासेस, या हम इनको चाइल्ड क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। फाइन, सो अगर मैं सेविंग क्लास और चेकिंग क्लास को इनहेरिट करूंगा अकाउंट क्लास से, तो डिपॉजिट और विड्रॉ की फंक्शनैलिटी जो कि अकाउंट क्लास में है वो सेविंग में भी आ जाएगी और चेकिंग अकाउंट में भी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन लेकिन आपको पता है कि जो सेविंग अकाउंट है उसका जो बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन है वो जरा फर्क होती है, उसके जो रूल्स हैं वो फर्क हैं, और जो हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है उसमें फर्क होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना। यस सर। ओके, सो अब हम ये कह रहे हैं कि ओके, अगर यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस आती हैं, सपोज क्या रिक्वायरमेंट चेंजेस आती है, हमारे पास टाइम भी कम है, हम ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मली एक इसको मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ, एक मिनट जरा। ठीक है, सपोज यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं वो ये है कि जो सेविंग अकाउंट है ये एक नॉर्मल अकाउंट है, और नॉर्मल अकाउंट में डेफिनेटली अगर आपने विदड्रॉ करना है
तो विदड्रॉ के लिए आपके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड आपके बैंक में है। सपोज अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 पड़े हुए हैं और आप कहते हैं मुझे 60,000 विदड्रॉ करना है, तो जो सेविंग का अकाउंट है उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन जो चेकिंग अकाउंट है, जो चेकिंग अकाउंट है, हम ये चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा अकाउंट हो जैसे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते कि हमारे पास जो है वो हम हमारे पास अमाउंट नहीं भी होती है और हम उससे एडिशनल अमाउंट जो है वो हम विदड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ तो नहीं खैर लेकिन हम उससे परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो चेकिंग अकाउंट में हम एक एडिशनल फीचर ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि वो जो पर्सन है अगर उसके अकाउंट में वो अमाउंट नहीं भी है तो भी हम उसको एक ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो विदड्रॉ कर सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो चेकिंग अकाउंट है उसमें जो विदड्रॉ फंक्शन की फंक्शनैलिटी है उसको ओवरराइड करना है। उसको क्या करना है, मैंने ओवरराइड करना है। क्या ओवरराइडिंग बिहेवियर ऐड करना है कि ये जो अकाउंट है इसका विदड्रॉ जो है इसके ऊपर लिमिट नहीं है कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस हो तभी वो विदड्रॉ कर सके, अदरवाइज वो ना कर सके। तो ये फंक्शनैलिटी मैं ऐड करना चाहूँ। अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है तो मुझे सेविंग क्लास के अंदर डिपॉजिट फंक्शन को ऐड अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेकिंग फंक्शन में डिपॉजिट फंक्शन को, सॉरी डिपॉजिट कह रहा हूँ, विदड्रॉ फंक्शन को मुझे जो है वो क्या करना है, ओवरराइड करना है। ये पॉइंट समझ आता है? यस सर। अब इस डायग्राम में इसको समझें, सेविंग की क्लास जो है उसने जो डिपॉजिट और विदड्रॉ का फंक्शन है वो लिया है अकाउंट क्लास से और वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। जो चेकिंग क्लास है उसने डिपॉजिट और विदड्रॉ की जो फंक्शनैलिटी थी वो जब ओवरराइड की एज इट इज, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम चेकिंग अकाउंट को मजीद जो है वो प्रिविलेज्ड करना चाह रहे हैं, उसको एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि हम जो विदड्रॉ का फंक्शन था उसमें न्यू कोड ऐड करेंगे, यानी न्यू फंक्शनैलिटी हम उसमें ऐड करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके ऊपर जो चेक था विदड्रॉ का कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस हो तभी जाके वो विदड्रॉ हो सकता है, उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। अकाउंट क्लास के अंदर विदड्रॉ का फंक्शन जो है वो एज इट इज सेविंग क्लास में चला जाएगा, एज इट इज चेकिंग क्लास में चला जाएगा, लेकिन जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसमें जो विदड्रॉ का फंक्शन है हम उसको मॉडिफाई करेंगे। क्लियर? यहां देखें, विदड्रॉ के फंक्शन को हमने क्या किया है, यहाँ पे अपडेट किया है और अपडेट से मुराद दिया कि बस वो हमने इसमें चेक ऐड करना, ठीक हो गया। मजीद कुछ एक आध और एग्जांपल भी है, इसको आप देख लीजिएगा, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तो कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम हो चुका है। सो ये जो है एंड पे एक क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट। ओके, आपको जो है वो वीक 13 की यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा और कोशिश करें कि ये जो ऊपर डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की है इसको आप कोड करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये जो बैंक वाली हमने डिस्कस की है, ये वाली, इसको कोशिश करें, इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करें। ओके सर। चलें, आप लोग अभी जो है वो अगर अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं तो आप लीव कर जाएं, जिन लोगों ने मार्क नहीं किए वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें और आप जो है वो वन बाय वन मीटिंग को लीव कर दें।